वाओ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें जी रोजेस, ब्यूटीफुल ब्यूटी ब्यूटीफुल। ये देखें बहुत सारी कलियां हैं इसके ऊपर। हाँ ये देखें यहाँ पर इतने सारे शहतूत लगे हुए हैं, ये हम तोड़ने आए हैं और फिर हम रोजे के बाद खाएंगे। ये देखें जी ये अब नजर आ रहा है, इसमें रखो इसमें। ये देखिए बहुत सारे जमा कर लेते हैं हम, फ्रूट चाट में डालेंगे। फ्रूट चाट में नहीं डालेंगे ये ऊपर से। ये देखें ये कितने सारे हैं, बचपन की याद आ गई मुझे, बचपन की। हम पुदीना भी तोड़ के लाए हैं और ये पुदीना भी तोड़ कर लाए हैं और मैं अब एक आखिरी कोशिश करूंगी कराची में जाके पुदीना लगाने की। अभी भी नहीं लगा तो उसके बाद फिर मैंने कभी पुदीना नहीं लगाना। कराची पुदीना ही लगता? मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश किया लेकिन नहीं लगाना। और तोड़ो ना थोड़े से, एक ये वाले शहतूत हैं और एक मुझे डार्क कलर के शहतूत होते हैं, वो भी बहुत यमी लगते हैं। चलिए जी इनको हम जमा कर लेते हैं फिर हम खाएंगे बाद में। ये देखिए आज मौसम भी बड़ा अच्छा है बारिश वाला, इसलिए हम लोग निकल कर आ गए, वरना कहाँ निकलते हैं। वेदर भी बड़ा प्यारा सा है। ये देखो बटरफ्लाई। नेचुरल ब्यूटी है ये लोग आर्ट लगे हुए इधर बहुत सारे, ये भी हैं और ये बड़े प्यारे से फ्लावर्स हैं, मतलब बहुत ही प्यारे से। हाय ये दरख्त कितना बड़ा है। और इस दरख्त की वजह से बहुत सारा कचरा हो गया यहाँ पर। और आज हम करेंगे अपनी बहन के साथ अफ्तारी। सही अच्छा। ये देखें वेलकम कर रहे हैं, ये फूलों की पत्तियों से लोग वेलकम करते हैं, यहाँ पत्तों से वेलकम हो रहा है। ये देखें जी ज़बरदस्त सा। और अब अंदर चलते हैं देखते हैं आज क्या बन रहा है। ये देखें जी पंजाबियों की निशानियाँ। किचन में कुछ तैयारियाँ हो रही है। हाँ तुम लोग नहीं आ रहे, यहाँ मिर्चों के पकौड़े बन रहे हैं और यहाँ कुछ और भी बन रहा है, चलिए देखते हैं क्या क्या बनता है। सही है जी ये किचन गार्डन देखें कितना ज़बरदस्त है, लेकिन पालक बहुत लगाई हुई है आप लोगों ने, बस पालक ही पालक है। रमजान की वजह से सही है, बाजार से ही पालक ही खाते रहे हैं। तो फ़ायदा क्या हुआ इसको फिर लगाने का। मेथी भी है भाजी, पकौड़ों में मेथी भी डालती हो। हाय और ये ऊपर मैंगोज, बड़े बड़े दरख्त हैं। ओवरऑल अच्छा है, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं यहाँ पर। ये पूरा इनका किचन गार्डन है, यहाँ सब्जियाँ लगाई हुई हैं इन्होंने। ये धनिया है, ये पालक, वहाँ आगे थोड़ा सा पुदीना है, ये भी पालक है, वो लीमू है सामने, ये भी लीमू है और ये मेथी है बहुत सारी। इससे आगे जाए तो ये शिमला मिर्च हैं, ये भी लग रही हैं, इसके ऊपर बन रही हैं, अभी बनी नहीं है। ये सारी शिमला मिर्च हैं, ये सारे बैंगन हैं और ये सारी हरी मिर्चें हैं और ये भी लीमू है। और उसके बाद ये खुबानी, हाँ ये खुबानी है, अभी इसके ऊपर लगानी है कुछ भी। और ये जगह ऐसी ही है खाली, आगे चले जाएंगे इधर भी आम के दरख्त है 3 बड़े बड़े। ये लोकाट, यहाँ हर घर में लोकाट लगे हुए हैं, हर घर में, और दरख्त भरे हुए हैं। ये तो छोटा सा है अभी, स्पेस की वजह से नहीं लगे, लेकिन मैंने देखे हैं भरे हुए हैं दरख्त। उसके बाद ये अमरूद है, ये पीछे ऑरेंजेस का है शायद, यहाँ पता नहीं मौसमी है या क्या है।
और उसके बाद यहाँ पर भी कुछ करेले की बेलें हैं, कुछ कद्दू वगैरह, लौकी, तोरी, ये सारा कुछ है। ये है और उसके बाद ये भी कोई ऑरेंज का कोई फैमिली का ट्री है। और यहाँ सारी इन्होंने पनीरी लगाई हुई है ना, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो पता है। ये देखे, ये छोटी छोटी पनीरी है, अब इसको भी कहीं लगाएंगे। और ये प्याज लगाया हुआ है, यहाँ प्याज है। और यहाँ से है जी दोबारा से ये वाला दरख्त, देखें इतना बड़ा दरख्त है माशाल्लाह, आधा तो कटवा ही दिया इन्होंने। और ट्रीज ही ट्रीज हैं यहाँ पर, और आवाज़ें पता नहीं किस चीज़ की आ रही हैं, स्लो 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 स्लो, है ना। ये कोई बेल है बड़ी अच्छी सी, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू है, दो रंगों के फ्लावर्स हैं इसके ऊपर, येलो और वाइट, यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से दिखाती हूँ, येलो भी हैं फ्लावर और वाइट भी हैं, और खुशबू बड़ी अच्छी है, महक रहे हैं पूरे। ये देखें येलो और ये देखें वाइट। उसके अलावा ये मनी, ये है मोतिया, मोतिया की बेल है पूरी, ऊपर मोतिया के फूल लगे हुए बहुत सारे। यहाँ से अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा, ये देखिए मोती के कली आपको नज़र आ रही होंगी, ये भी देखिए ये मोती के फूल यहाँ से नज़र आ रहे हैं। मुझे तो वैसे ही फूल बहुत पसंद है, ये मनी प्लांट की एक टाइप है। उसके बाद ये भी कोई बेल है, ये देखिए एक तितली भी है यहाँ पर। शाम का वक्त है बस, रोज़ा अवतार होने वाला है। और ये देखिए बटरफ्लाई, आम का छोटा सा दरख्त, सोच रही हूँ उसको कराची ले जाऊँ। ये रोजेज, ये मैंगो ट्री, एक और ये भी रोजेज हैं, ये बटरफ्लाई एक वाइट कलर की इधर से उधर जा रही है। और बस सिलसिला बाहर देखें, ये आमों के दरख्त हैं सामने, और लोकाट के, मैं आपको एक लोकाट का दरख्त दिखाती हूँ, यहाँ एक लोकाट का दरख्त है। तो लोकाट के दरख्त पे ना बहुत सारे लोकाट लगे हैं, मैं बस वही दिखाने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नेवला देखा था तो अब मुझे डर लग रहा है अंदर जाने में, लेकिन चलो जाते हैं, बस आपको बाहर से दिखा के ना तो जल्दी से वापस आ जाएंगे। रहता कोई नहीं है यहाँ पर, खोलो ना आगे आओ, हाँ जोर से खाते पीते कुछ नहीं हो, पूरा भरा हुआ है, मैंने इसमें से कुछ तोड़े भी थे, वो ऊपर तो ज़्यादा पके हुए हैं, ऊपर तो हाथ ही नहीं जाता किसी का, बस ये नीचे नीचे से जो तोड़ सकते हैं तोड़ लें, मुझे डर लग रहा है इधर देखें, डर मुझे लग रहा है, लेकिन पास जाके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, तो इस तरह के ना हर घर में दरख्त है, ये भरा लोकाट का सबके घरों में। चलो भागे यहाँ से, खंडर पूरा घर बना हुआ है खंडर। यहाँ पे पाइन ट्रीज भी हैं, ये देखे पाइन लगे हुए हैं ऊपर, हाँ। ये ना पीछे कोई एक आवाज़ आ रही है किसी जानवर की, सुबह से ही आ रही है, है ना, रात को सोते हुए भी आती है, हैं डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। ये जो ऊपर दरख्त है ना उसके ऊपर ये वाले फ्लावर लगते हैं, ये वाले देख, ये जो दरख्त है ऊपर ये वाला चार, तो बड़े मजे के लग रहे हैं। ये सामने वाले घर से तोड़े थे, खजूर है इसमें,
लास्ट मोमेंट पे जल्दी जल्दी पकौड़े बन गए। 5 मिनट रह गए, अभी एक आइटम और रहती है ना। मूवी दिखाते हैं। अंडे में डिप करना, एक चम्मच रखो ये इस तरह से अंडे में। उसके बाद फिर ब्रेड क्रम की कोटिंग। और उसके बाद डायरेक्ट ऑयल में डाल दो जी। यहाँ से जाएगी ये चम्मच। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।